भगवा टोपी पहनकर देवबंदी मुस्लिम ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। शिव भक्तों की सेवा देख सब हैरान। दरअसल सावन के महीने में कांवड़ियों की धूम है। कांवड़िये हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और इसी बीच देवबंद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर सब हैरान है। दरअसल देवबंद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली ने बुलडोजर पर सवार होकर शिव भक्तों के ऊपर फूलों की बारिश की। यह नजारा देखकर नगर और क्षेत्रवासी उत्साह से बम बम भोले के जयकारे कर झूमने लगे। बुलडोजर जैसे ही पुष्प वर्षा करते हुए मंगलोर चौकी पर पहुंचा तो यह नजारा देखकर प्रशासन के अधिकारी भी गदगद हो गए। SDO दीपक कुमार, CO रामकरण सिंह और इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन ने तिरंगा झंडा लहराकर पुष्प वर्षा करने वाले बुलडोजर पर सवार राव मुशर्रफ और हिंदू जागरण मंच के प्रांत उपाध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह का स्वागत किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की सराहना की जा रही है। इसके साथ ही राव मुशर्रफ ने कांवड़ियों के लिए भोजन का भी इंतजाम कर रखा था। खुद अपने हाथों से उन्होंने कांवड़ियों को भोजन परोसा। एक मुस्लिम को शिव भक्तों की सेवा करते देख हर कोई उनकी तारीफ करने में लगा है, तो वहीं कांवड़ियों की सेवा करने के बाद राव मुशर्रफ अली ने क्या कुछ कहा जरा वो भी सुनिए। देखिए, आज हमने देवबंद की धरती पर हरिद्वार से जो कांवड़िये शिव भक्त जल लेकर के आ रहे हैं, बिल्डोजर पे सवार होकर के हमने पुष्प वर्षा की है और उनको खाना खिलाकर मानव सेवा की है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और हमने हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए और गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने की हमने मिसाल पेश की है। तो क्या हम सभी मुसलमानों को इसमें आगे आना चाहिए? देखिए, मेरी सभी देशवासियों से अपील है, खासकर मुसलमानों से, कि वो कट्टरवाद से निकल करके आगे आएं और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करें। जितने भी जहाँ जहाँ पर प्रदेश के कोने कोने में कांवड़िए जल ले करके आ रहे हैं या जल लेने जा रहे हैं, उनका स्वागत करें और उनके ऊपर पुष्प वर्षा करें और उनको खाना खिलाकर उनकी सेवा करें। तो ऐसे में भगवा टोपी पहनकर इस मुस्लिम ने जिस तरह से शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। तो आप भी इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।